हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, यूपीएसआई की जो भर्ती आ रही है 9534 पदों के लिए, उसके लिए कल टेंडर पास हो चुका है। ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुकी है। सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको अगर आवेदन का इंतजार करेंगे ना तो फिर आप बहुत देर कर देंगे। आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसीलिए हमने आज से अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर को स्टार्ट किया है सॉल्व करवाना। जैसे ही प्रीवियस ईयर पेपर सारे सॉल्व हो जाते हैं जितने सेट हुए हैं अब तक, हिंदी जीके मूल विधि सबके क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूंगा। प्रैक्टिस सेट की क्लासेस होगी, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना, ताकि उससे एनालाइज करेंगे कैसे प्रश्न किस फील्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने लिया है यूपीएसआई 2017 भर्ती का प्रश्न पत्र, जिसमें का हिंदी का पेपर हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जितने भी 40 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे 2017 भर्ती यूपीएसआई में, आप बताइएगा कितने प्रश्न आपको आते थे। और वीडियो अगर अच्छी लगे और भी ऐसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं आप लोग और भी सब्जेक्ट के, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक कायम 500 लाइक कायम रखते हैं आप लोग, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा, अगर यूपीएसआई भर्ती को क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया गया है बी टॉपर की तरफ से, यूपीएसआई स्पेशल, जो बेस्ट टीचर और एक्सपर्ट के द्वारा प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके नए क्वेश्चन डाले गए हैं यहाँ पर, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2020 वाले यूपीएसआई भर्ती में। दोस्तों यहाँ पर सारा सब्जेक्ट कवर किया गया, सभी सब्जेक्ट के नोट्स है, यानी कंप्लीट यूपीएसआई नोट्स है यहाँ पर। परीक्षा में अति संभावित प्रश्न भी दिए गए, वीडियो क्लासेस लिंक है, थ्योरी है, प्रैक्टिस सेट है, वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र 75 रुपीज की नोट्स आपको दिया जा रहा है। लिंक इस नोट्स का नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से इसको बाय कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक लेवल की तैयारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पेपर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2017 का, जो कि 22/12/2017 का प्रथम पाली का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का आप लोग आंसर भी करते रहे अगर आपको पता है। देखिए पहला प्रश्न क्या आया था, पहला प्रश्न था यहाँ पर, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो दोस्तों ये सॉल्व पेपर है, इसलिए यहीं पर आपके सामने आंसर है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। आप अगर आंसर करना चाहें तो ठीक है करिए, वरना केवल हमको पेपर देखना है ना किस तरीके से प्रश्न आ रहे थे और क्या उत्तर है उसके, ठीक है। उसके बाद ना जल्दी हम प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, जिसमें कि सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन दिखाएंगे, आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर यहाँ पर बी था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है। चार ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर, और किसमें समानार्थी भीरू का आपको बताना था, कौन सा समानार्थी है। तो यहाँ पर कायर हो जाएगा, ठीक है, एक ही अर्थ देने वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कहा था, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा। पूछा गया था टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो 3 नंबर का जो सही उत्तर था वो था सी ऑप्शन, टिड्डी दल। आप लोग इसी तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। इसीलिए आप सिलेबस देखते रहें किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए संभाष में आशय है, से आशय क्या है। तो ये प्रश्न आया था, संभाष से आशय क्या है। इसका जो सही उत्तर था वो था मिलकर बोलना, संभाष। अगला प्रश्न क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डैश 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 अंक अर्थालंकार का एक प्रकार है। देखिए आप सभी को पता है कि जो अलंकार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो अर्थालंकार का एक और कौन सा प्रकार है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर था वो था डी था, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या था, दीप जले शंख बजे किस रचना की कीर्ति है, यानी रचनाकार की, सॉरी किस रचनाकार की कीर्ति है, दीप जले शंख बजे। इसका जो सही उत्तर था वो था आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर था, यानी कि आपको रचना और रचनाकार से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कन्हैया लाल मिश्र और प्रभाकर जी का था ये। अगला था क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या पूछा गया था यहाँ पर, रचना के आधार पर सरल वाक्य डैश डैश और डैश डैश वाक्य के भेद क्या होते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये पता चला कि समानार्थी पूछा जाता है, साथ साथ रचना और रचनाकार के पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही था, यानी कि रचना के आधार पर सरल वाक्य संयुक्त और मिश्रित वाक्य भेद है। हाँ, अगला है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आया था, 8 नंबर था यहाँ पर, देखिए इनमें कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो परिणामवाचक का बताना था, तो यहाँ पर अनगिनंत, ठीक है, कोई परिणाम प्रमाणिक नहीं कितना है यहाँ पर, अनगिनंत है, ठीक है। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 9 नंबर का क्या उत्तर था, ए ऑप्शन सही था, अननाशा, ठीक है। अगला था क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
सर्वदा एकवचन रहने वाला शब्द कौन सा? इजी क्वेश्चन थे, बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। और आप सभी को पता है कि हर सेक्शन में आपको 50% क्वेश्चन आपको सही करने, 50% मार्क लाने हैं। लेकिन अगर 40 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जा रहा है तो 20% आपको क्वेश्चन सही करना होगा हिंदी में, तभी आप क्वालिफाई होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ कमजोर है आपका तो आपने मैथ में 12 क्वेश्चन ही किए 40 में, बाकी में आपने 30 किए 35 किए, लेकिन आप फेल हो जाएंगे यहाँ पर मैथ में, ठीक है, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। अगला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश 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 बताते हैं कि यह शब्दों में चमत्कार है तथा डैश डैश बताते हैं कि यहाँ अर्थ से में अद्भुत सौंदर्य है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही था। शब्द अलंकार बताते हैं कि शब्दों में चमत्कार है और अर्थालंकार क्या बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। अगला है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। बस आप लोग ये देखते रहिए कि हाँ ये मुझे आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको ये पता चलेगा ना इजी आया था कि पेपर टफ आया था। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा, अपचय और कुपचय। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह चुनिए। तो 13 का जो सही उत्तर था वो था बी, कालिंदी कृष्ण और सुरसुता। अगला प्रश्न क्या था, 14 नंबर, देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। और देखिए इस क्वेश्चन पेपर का अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं रिवीजन करने के लिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें, वहां पर फ्री में पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डाउनलोड कर लें आप, ठीक है। और बाकी के सब्जेक्ट भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। 14 नंबर का जो सही उत्तर था ए था, पत्थर की लकीर होना। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, ध्वंस शब्द विलोम शब्द है, शब्द का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नीचे भी दिख रहा है, सी हो जाएगा निर्माण, ध्वंस मतलब नष्ट करना, निर्माण मतलब बनाना। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। 16 नंबर का उत्तर दें अगर आपको आता है, खैर आंसर तो सामने ही है, सी ऑप्शन सही है, तलवार का खेत हरा नहीं होता। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है, तुलसी मन मंदिर में बहिर यह पंक्ति किस अलंकार में से अलंकृत की गई है। तो 17 का जो सही उत्तर था वो था डी ऑप्शन, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या पूछा गया था, डैश 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 निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल वाक्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्षा हुई सामान्य भूतकाल वाक्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, जातवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्द डैश शब्द से बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर था डी था, भाववाचक संज्ञा से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ जी को उनकी कीर्ति रेहन पर रघुदु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपका पुरस्कार संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य में जितने भी पुरस्कार मिले हैं। 20 का जो सही उत्तर था बी था, साहित्य अकादमी। अगला है प्रश्न 21, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, किस का राइट आंसर दें आप लोग। तो सी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण। अब यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण क्यों था, क्योंकि यहां पर कोई सज्जन, कोई कोई मतलब कुछ कंफर्म नहीं है कौन है। अगर नाम लिया था कि वीरेंद्र आपको बुला रहे हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं कि कौन बुला रहा है, कोई बुला रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह प्रकृति किस विधा पर आधारित है। तो 22 का जो सही उत्तर था बी था, नाटक। अगला प्रश्न है 23, पारा ना उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। देख सकते हैं बहुत इजी प्रश्न थे, बहुत टफ प्रश्न नहीं थे, आप 50% तो एक बस आपको क्राइटेरिया दिया गया, डेडलाइन दिया गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे, 30+ ही रहने वाला है, मुझे यकीन है आप सब पर। 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो था आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, आसान तो होना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, बताना है 24 का उत्तर। तो 24 का क्या था, ए ऑप्शन था सुधी। अगला प्रश्न क्या है 25 नंबर, देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है रिक्त स्थान की पूर्ति, तो ए हो जाएगा यहाँ पर 11। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर 26 में आपका बी ऑप्शन सही था, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न आया, शुद्ध वाक्य से आया। आप अच्छा ये होगा कि आप एक रफ कॉपी ले लीजिए, टाइटल डाल लीजिए हिंदी और पॉइंट लिखते जाइए कि जैसे जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है उस टॉपिक का नाम लिख लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे आप नाम लिख लीजिए कि वाक्य शुद्धि से प्रश्न आता है, समानार्थी से प्रश्न आता है, विलोम से प्रश्न आता है,
अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 27 अलंकार से प्रश्न आता है। ओह डैश डैश बहुत कठिन समय आया, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर विराम चिन्ह भी आप लिख लीजिए हेडिंग डाल के, क्योंकि विराम चिन्ह से प्रश्न आता है। सी ऑप्शन सही यहाँ पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 डैश डैश यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सा पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है? तो 28 का ए था सूरज यह है जग का बुझा बुझा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? बहुत अच्छा प्रश्न था। तो 29 का ए था यहाँ पर 14 सितंबर 1964। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो 30 का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या था? सी सही था मृदुदंड, यानी कि शुद्ध वर्तनी से भी प्रश्न आता है। अगला है देखिए जब कोई वाक्यांश अपना समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहते हैं? 31 का डी हो जाएगा मुहावरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 है देखिए बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी से बेले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 देखिए 33 क्या कह रहा है? आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का कारण डैश डैश का आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा महादेवी वर्मा को। अगला है देखिए यहाँ पर आप 34 से 36 नंबर तक आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिया। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, इसमें आपको गद्यांश को पढ़ना है और इसी में आंसर छिपा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप 34 से 36 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आंसर आप खुद दे देंगे। 37 नंबर से आते हैं देखिए दो या दो से अधिक अत्यंत समीपप्रास्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो 37 का आप सभी को पता चल गया होगा ए ऑप्शन से संधि कहते हैं उसको। अगला है देखिए 38 है वर्ण शब्द डैश डैश वाक्यांश डैश डैश रिक्त स्थानों की उचित विकल्प लिखिए। तो पहले वर्ण, वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से फिर क्या बनता है ये लिखना है और उसके बाद वाक्यांश बनता है, उससे फिर वाक्यांश से क्या बनता है ये बताना। तो यहाँ पर 38 का क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, शब्द से बनता है पद और पद किससे बनता है? वाक्यांश, वाक्यांश से बनता है वाक्य। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर डैश 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 यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। कौन सी पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है आपको बताना है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही था तरनी तनुजा तट तमाल तरु बहु छाए है। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार क्यों? क्योंकि ता जो है इसकी बार बार पुनरुक्ति हो रही है ता वर्ण की, ठीक है। और आखिरी प्रश्न था यहाँ पर 40 नंबर जो कि कट गया, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? ठीक है, रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रिपु जो है ये बिल्कुल सही था, ठीक है। रिपु जो है आपका ये रक्त का नहीं, बाकी लहू हो गया, सोड़ित हो गया, रुधिर हो गए, सभी रक्त के समानार्थी शब्द हैं। तो ये थे आपके 2017 में पूछे गए UPSI भर्ती के प्रश्न हिंदी के। ऐसे ही GK मूल विधि मैथ सभी का आप अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और भी ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और इसका PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो लिंक टेलीग्राम ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। और जो मैंने क्रैश कोर्स रिकमेंड किया UPSI स्पेशल 75 रुपीज़ का, उसके लिए आप बिल्कुल सोचे मत, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से इसको अभी बाय करें जाके। और UPSI की फुल प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।